Hello everyone, welcome to the SAM, that is a study, art, motivation and education. And in this video I'm going to talk about management and correction of abutment. ठीक है, तो हम इसमें पूरा मैनेजमेंट एंड करेक्शन ऑफ अबटमेंट देखने वाले हैं. अगर आपको नहीं पता है तो मैं एफपीडी की सीरीज चला रही हूँ जिसमें हम पूरा एफपीडी कवर करेंगे. ओके, सो कमिंग टू द मैनेजमेंट एंड करेक्शन ऑफ अबटमेंट, इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ अबटमेंट कम्प्लीट किया था. कमिंग टू दिस वीडियो, सो सबसे पहले हम फायर अबटमेंट. फायर अबटमेंट क्या था कि ये आपका टूथ है, तीन टूथ है, इन दो के बीच में मिसिंग एडेंटुलस स्पेस है. ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो है ये आपका पायर अबटमेंट कहलाएगा. ठीक है, जो बीच में है और दो मिसिंग टूथ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, नॉन रिजिड कनेक्टर यूज करेंगे. नॉन रिजिड कनेक्टर दैट मीन्स कीवे हम इसमें यूज करेंगे, वेयर की इज अ मेल पार्ट एंड कीवे इज अ फीमेल पार्ट. ओके, नहीं पता है तो नेक्स्ट इससे पहले वाली जो वीडियो टाइप्स ऑफ अबटमेंट था वहां पे आप जाके देख सकते हैं. नाउ टी शेप्ड की अटैच टू पॉन्टिक एंड डोवटेल की वे प्लेस्ड विद इन द रिटेनर. ठीक है, की यानी कि मेल पार्ट जो है वो टी शेप्ड है जो अटैच होगा पॉन्टिक से, एंड डोवटेल की वे दैट इज फीमेल पार्ट, इट विल बी प्लेस्ड विद इन द रिटेनर. ओके, ये हम लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था. एडवांटेजेस अगर हम पायर अबटमेंट के देखें तो मैंने जैसे कि आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि पायर अबटमेंट एंड टिल्टेड अबटमेंट एंड कैंटिलीवर अबटमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, सो हम इसीलिए हम इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. इसका एडवांटेज अगर हम देखें तो मूवमेंट प्रिवेंट्स द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम सेगमेंट बीइंग लोडेड टू द रेस्ट ऑफ द एफपीडी. इट ट्रांसफर शियर स्ट्रेस टू सपोर्टिंग बोन रेदर देन एन कनेक्टर. ओके, इट मिनिमाइज मेसोडिस्टल टॉर्किंग वाइल परमिटिंग देम टू मूव इंडिपेंडेंटली. दिस आर द एडवांटेजेस. कमिंग टू द डिसएडवांटेज, क्या करता है ये, पेरियोडोंटल अटैचमेंट को कम कर देता है. देन सुप्रा इरप्शन ऑफ की एंड पोस्टीरियर यूनिट वेन अपोज टू आरपीडी और नो टीथ. ओके, टिल्टेड अबटमेंट पर आए तो टिल्टेड अबटमेंट में कुछ चीजें हैं. हमने इसके करेक्शन के लिए हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि इसका हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं. सो ऑर्थोडोंटिक अगर हम करें तो ऑर्थोडोंटिक में अपराइटमेंट ऑफ सेकेंड मोलर होगा आइडियल ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड इट इज मोस्ट कॉमन. ठीक है, टिल्टेड है तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट सबसे कॉमन होता है. देन प्रॉक्सिमल हाफ क्राउन है तो मीजियल हाफ इज प्रिपेयर्ड. स्क्रीन पॉन्टिक कनेक्टर एक होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं टिल्टेड अबटमेंट में. एंड टेलीस्कोपिक क्राउन ये बहुत ही कम यूज होता है बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव. इसके डिसएडवांटेजेस हमने देखे थे लास्ट वीडियो में, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इतना इफेक्टिव भी नहीं है क्योंकि इससे आपके एस्थेटिक्स जो होते हैं वो बिगड़ने के चांसेस होते हैं. तो बेसिकली हम टेलीस्कोपिंग क्राउन में क्या करते हैं, कोपिंग करते हैं लॉन्ग एक्सिस का एंड इट फेब्रिकेट टिल्टेड और रिटेनर ऑफ फैब्रिकेट करते हैं ऑफ टिल्टेड अबटमेंट एंड रिटेनर ऑफ एफपीडी. आर्च फॉर्म देखें दो एक्यूरेटली कर्व्ड आर्चेस एडिशनल अबटमेंट टीथ टू डिसिपेट द लेटरल स्ट्रेसेस. एंड एल्वियोलर रिज देखें तो एल्वियोलर रिज कैसी होती है, वाइड एंड फ्लैट रिजेस होती है. ठीक है, एज की बात करें तो रेजन बॉन्डेड प्रोस्थेसिस जो है वो हम यंग पेशेंट्स में ही यूज कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि यंग पेशेंट्स जो होते हैं उनमें पल्प हॉर्न जो है वो थोड़ा इंक्रीज होता है, अच्छा होता है. सॉरी, कमिंग टू म्यूटिलेशन, व्हाट इज म्यूटिलेशन, इसमें हम हाइट की बात कर रहे हैं. मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड जो होता है अबटमेंट का वो 4 mm होता है. 4 mm इज अ मिनिमम हाइट विच वी नीड. अगर 4 mm से कम है पोस्ट एंड कोर बिल्डअप के थ्रू हम हाइट को इंक्रीज करेंगे. 4 mm से ज्यादा है तो वो ऑब्वियसली अच्छी बात है क्योंकि अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो अबटमेंट. लेकिन अगर 2 mm से भी कम है तो पोस्ट एंड कोर बिल्डअप तो हमें करना ही पड़ेगा, प्लस हमें क्राउन लाइटनिंग प्रोसेस भी करनी पड़ेगी. मोबिलिटी पर आते हैं तो मोबिलिटी एंड पेरियोडोंटल हेल्थ में टीथ विथ फिर्म पेरियोडोंटल सपोर्ट. ठीक है, ग्रेड वन मोबिलिटी स्प्लिंट विथ एडिशनल अबटमेंट सपोर्ट. अगर ग्रेड वन है तो हमें एक और टूथ को एज अबटमेंट लेना पड़ेगा. एंड ग्रेड टू है तो हम उस तरह के अबटमेंट को नहीं यूज कर सकते. अगर ग्रेड टू मोबिलिटी है तो हम उस टूथ को अबटमेंट एज अ यूज कर ही नहीं सकते. ठीक है, रूट लेंथ एंड रूट फॉर्म की बात करें तो ज्यादा लॉन्गर टूथ होगा, रूट होगा, जैसे कि कैनाइन का रूट जो है वो लॉन्गर होता है, दैट वुड बी अ एक्सलेंट अबटमेंट. ठीक है, इंटीरियर रूट्स की बात करें, ट्रायंगुलर रूट है तो वो लेटरल लोड को बियर कर लेंगी. देन पोस्टीरियर रूट है तो वो सिलेंड्रिकल रूट होती है जो कि वर्टिकल लोड को बियर कर लेंगी. ठीक है,
याद रखना है कि एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट में कौन सा लोड वो बेयर करते हैं, ठीक है। कर्व्ड रूट्स ऑफर बेटर एनकरेज एंड मे सर्व एज बेटर अबटमेंट। कर्व्ड रूट है तो एनकरेज अच्छा देगी, एनकरेज अच्छा देगी तो अच्छा अबटमेंट भी होगा। रूट विथ ग्रेटर लेबियोलिंगल विथ इज गुड। रूट विथ इरेग्युलर कर्वेचर आर प्रिफर्ड। ओके, टीथ विथ लॉन्गर रूट ज्यादा अच्छा अबटमेंट देगा वो, एंड टीथ विथ कॉनिकल रूट्स कैन बी यूज्ड एज शॉर्ट स्पैन एफपीडी। शॉर्ट स्पैन एफपीडी हम कब यूज कर, अगर रूट कॉनिकल है तो हम उसमें शॉर्ट स्पैन एफपीडी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रूव्स की बात करते हैं तो दे कैन बी प्लेस्ड टू प्रोवाइड रिटेंशन। जब भी ग्रूव्स की बात आती है तो आप रिटेंशन याद करो, अगर रिटेंशन देना है तो हम ग्रूव्स का यूज कर सकते हैं। टू मैनी ग्रूव्स में इंटरफेयर विद द सिटिंग ऑफ फुल वीनियर क्राउन। अगर ज्यादा ग्रूव्स यूज करेंगे तो वो इफेक्ट करेगा सिटिंग ऑफ फुल वीनियर क्राउन, ठीक है। एंड ग्रूव्स शुड बी एटलीस्ट 1 mm वाइड। पिंस की बात करते हैं अब तो, पिंस यूज इन टीथ विथ इनएडिक्वेट एक्सियल वॉल हाइट, नॉट यूज इन वर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, वे नॉट यूज इन वर्टिकल सब जिंजाइवल टू द स्ट्रक्चर फॉर प्लेसमेंट। टू दो तरह के होते हैं, पैरेलल पिन होल एंड नॉन पैरेलल पिन होल एंड स्क्रूड इन टू द डेंटी। बॉक्स फॉर्म देख लो, लास्ट है, इट कैन बी यूज इन प्रोक्सिमल लीजन ऑन द टूथ, इंटरफेयर विद द प्लेसमेंट ऑफ अ रिटेंटिव ग्रूव, इट प्रोवाइड्स बोथ रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मैनेजमेंट, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, म्यूटिलेशन पढ़ा, मोबिलिटी पढ़ा, रूट लेंथ पढ़ा कि कौन सा रूट लेंथ अच्छा हो सकता है और कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेट कर सकता है, कौन सी मोबिलिटी अच्छी है, मतलब कौन सी मोबिलिटी में हम एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रेड टू ग्रेड थ्री तो बिल्कुल मतलब भूल ही जाओ कि उसको अबटमेंट में यूज कर पाओगे, ठीक है। हमने मैनेजमेंट ऑफ पियर अबटमेंट एंड टिल्टेड अबटमेंट भी देखा। सो दीज आर द थिंग्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एंड करेक्शन ऑफ अबटमेंट। सो दिस इज द वीडियो, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर एकेडमिक्स, एंड इफ इट डज ऑब्वियसली आई वुड बी रियली रियली ग्रेटफुल। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।